So what's up my YouTube family? I hope you all are doing really well. Welcome to my new vlog. Aaj ka vlog bahut hi informative hone wala hai guys, because I have purchased new wiper blades for my Maruti Swift. And company hai uski Bosch. You must have heard about it. Bosch company ke hai. Ab reliability to baad mein pata chalegi guys. Abhi main aapko uska unboxing dikhata hu and installation process. Yes, you can do it yourself. You heard it right. Installation aap unka khud hi kar sakte ho. It's not a big deal. एंड बाहर से कराते होते हो तो आपसे अराउंड 50 to 100 रुपीज़ वो चार्ज कर लेते हैं, तो यू कैन सेव दैट मनी. मैक्सिमम 2 मिनट का प्रोसेस है. पहले आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ गाइज. लेट्स सी इज द प्रोडक्ट गाइज. ये इसकी पैकेजिंग है, वेरी नाइस पैकेजिंग. ये अंदर प्रोडक्ट है एंड बोश इको नाम है इसका प्रॉपर. बोश इज द कंपनी, इको जो आपके वाइपर्स हैं इसके मॉडल का नाम है. एंड ये आपको दिख रहा होगा 21 and 19. दिस इज़ दी साइज. दोनों वाइपर ब्लेड का साइज अलग होता है. दिस इज द ड्राइवर साइड 21 inches, 19 इज को ड्राइवर साइड. ये मारुति स्विफ्ट के लिए है. हर कार का अलग साइज होता है गाइस. एंड मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया था अमेजोन से ऑनलाइन. इसका आपको प्राइस शो कर देता हूँ मैं. आई बॉट इट फॉर 385 और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता गाइज ऑनलाइन. तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ. This is how the product look like. एक तो ये ब्लेड है इसका एंड द सेकेंड वन निकाल लेता हूँ. सो यू फाइंड नथिंग एल्स इन द पैकेजिंग, दैट्स इट. इसके अंदर और कुछ नहीं होता. एंड ये इसके दो वाइपर ब्लेड हैं, ठीक है. आपको दिख रहा होगा भाई साइज दोनों के अलग हैं. एक बड़ा है, दिस इज ड्राइवर साइड. दिस वन ये ड्राइवर साइड पे लगेगा. दिस इज दी को ड्राइवर साइड. एंड क्वालिटी देख लो भाई, क्वालिटी बहुत ही फाइन है. बोश की ब्रांडिंग मिलेगी आपको. क्वालिटी बहुत ही प्यारी है भाई. दिस इज सी, ये आपको बोश लिखा हुआ मिलेगा. बाकी ग्रेफाइट क्वालिटी है उसमें मेंशन था. क्विक क्लिप ग्रेफाइट. क्वालिटी तो इसकी तभी पता लगेगी जब मैं यूज़ करूँगा. एज अभी तक तो मैं अपना मारुति MGP के यूज़ कर रहा था. उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं है और उनका चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है. यू हैव सीन द अनबॉक्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट. ये पड़े हुए दोनों वाइपर्स, ठीक है जी. ये दोनों पड़े हुए हैं, पुराने वाले भी आपको दिखाता हूँ. एंड ये इसकी पैकेजिंग है. एंड अभी आपको मैं रीज़न बताता हूँ कि अब आई हैव परचेज इट. इन 3, 2, 1. सी गाइस, दीज आर दी ओरिजिनल MGP वंस. MGP के जो जेनुइन वाइपर ब्लेड्स आते हैं वो है. एंड मैं अभी आपको इसको रन करके दिखाता हूँ की कहाँ गई मेरी. सी गाइस, जो ड्राइवर साइड वाला है दैट इज ओके, बट जो को ड्राइवर वाला है उसमें प्रॉब्लम है. ड्राइवर वाले ने प्रॉपर क्लीन किया है. को ड्राइवर पे आपको एक ट्रेल दिख रहा होगा, ये मार्क्स. दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज वो वाइपर एक जगह से फट चुका है. वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट बस. ठीक है, ये पूरा जो आपको मे बी कैमरा जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है, आई डोंट नो. ये पूरा यहाँ से पानी छूट रहा है. रीजन बींग, ये वाइपर देख रहे हो आप, सी ये यहाँ से कट चुका है भाई, ठीक है. इसकी तो हालत हो गई है ख़राब. और एवरी 5 to 6 मंथ्स आपको ये वाइपर रिप्लेस करने ही पड़ते हैं, नो अदर ऑप्शन यू हैव. ये वाला भी ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसका विंडस्क्रीन भी एकदम बढ़िया क्लियर करी है इसने. बट भाई ये पेयर ही आता है तो आई हैव टू रिप्लेस इट ऑल. दोनों को एक साथ रिप्लेस करना पड़ेगा. अब मैं आपको उसका प्रोसेस दिखाता हूँ. इट्स वेरी सिंपल गाइज, ठीक है. दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा तो मैं आपको रिपीट करके बोर नहीं करूँगा. इस पे आपको करके दिखाता हूँ कि दिस इज़ द क्लिप जहाँ पे ये अटैच होता है, ओके. बहुत ही सिंपल है. इसको आपको नीचे से ये जो दिख रहा होगा इसको प्रेस करने का, इसको प्रेस करना है और इसको नीचे पूरे को पुल करना है. अब मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं पता नहीं, लेट्स सी, ट्राई करता हूँ. इसको ऐसे प्रेस करना है आपको, ये नीचे बटन,
ये लीवर दिख रहा होगा आपको, इसको प्रेस करना है और इस ब्लेड को नीचे पुश करना है और इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, बट इसको पुल करके। एक मिनट कैमरा रख के ही कर लेता हूँ भाई। ठीक है, इसको दबा के मैंने नीचे पुल किया है, उसके आपको कुछ नहीं करना, पूरा नीचे पुल करना है एंड दिस इज हाउ यू कैन रिमूव इट। ये पूरा रिमूव हो गया। अपना जो ओरिजिनल है वो ऐसे ही रॉड होता है बस सिंपल, इसमें कोई लॉक फिट नहीं होता। सेम प्रोसेस से दूसरा रिमूव होगा। अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन। एंड गाइस दिस इज द को ड्राइवर साइड बोश वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये ब्लेड है को ड्राइवर साइड का। इसका लॉकिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। जी दिस इज द लॉक। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। इसको ऐसे इंसर्ट करना है, ये लॉक जो है इसमें फंसाना है बस। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली, जूम हो गया है गाइस। ये स्टक हो गया इसमें, अब सिर्फ आपको इसको पुल करना है। अब अगेन मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मेरे लिए एक हाथ से थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपको इसको इंस्टॉल करके शो करता हूँ, जस्ट बी विद मी फॉर 30 सेकेंड्स। सी गाइस, उसको सिर्फ मैंने लॉक में फंसा के पुश करा है, उस एंगल के अंदर जो इसका एंगल था उसके अंदर पुश करा है एंड इट्स सो इजी, इट इज़ इंस्टॉल्ड। सेम प्रोसेस रहेगा अब दूसरे का, दूसरे का भी आपको शो करता हूँ वाइपर कर। दिस इज़ दी ड्राइवर साइड एंड ये 21 इंचेस है गाइस। इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसका भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। दिस इज़ द लॉक, ये अपने को इसके थ्रू इंसर्ट करना है, उसके इसको पूरा ऐसे घुमा देना एंड यू कैन सी द पोजीशन ऑफ द लॉक। ये जो यू है ये इस लॉक में आपको अटकाना है और कुछ नहीं करना। इसी के आपसे अराउंड 50 रुपीज़ बाहर मार्केट में चार्ज हो जाते हैं। सी, इसको बस मेरे को आगे पुश करना है। आई ट्राई विद वन हैंड, अगर हो जाता है तो वेरी गुड। सी सी गाइस, एक ही हाथ से हो गया, ज़्यादा दम भी नहीं लगा एंड यू आर गुड टू गो। इस इज एज सिंपल एज दिस। ये पूरा आगे तक आपको पुश करना है, नीचे करना है एंड यू आर डन एंड फाइनली न्यू वाइपर्स इंस्टॉल्ड। इट इज़ सो ईजी। अब ऊपर से एक एयरक्राफ्ट गुजरा है भाई, प्लीज़ वॉइस के लिए थोड़ा सा माफ़ करना। एंड दिस इज इट। एक इसको भी सेम प्रोसेस से लगाया था। सी, लॉक चेक कर लिया हुआ, बहुत बढ़िया। एंड दैट्स इट गाइस, इट इज़ एज सिंपल एज इट। पूरे प्रोसेस मैक्सिमम 30 सेकेंड्स का है। वो मेरे हाथ में कैमरा था इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लग गया। मैक्सिमम 30 सेकेंड प्रोसेस एंड द मेन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज, अगर आप इसके लॉक्स देखोगे ना गाइस, इसकी जो ये लॉक है दिस इज़ ऑफ मेटल। आवाज़ आ रही होगी, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक। तो बोश ने भाई इसके क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी है एंड दीज आर दी ओल्ड वंस, ये मारुति के। इसके लॉक इतने थर्ड क्लास हैं भाई, यू कैन सी ये, दिस इज़ प्योर प्लास्टिक। ये लॉक इसका प्लास्टिक का है, ठीक है जी। एंड इसका तो निकालते हुए टूट ही गया था भाई, इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई। तो और दीज आर नो मोर ऑफ माई यूज़, तो ये जाएंगे यहाँ पे यूजलेस। एंड वन मोर थिंग भाई, मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। वेट, वेयर इज़ माई की। ये आपको मार्क दिख रहा होगा इस, वो पिछले जो मैंने ब्लेड्स रिमूव करे हैं अभी उसका वो क्लियर नहीं कर रहा था। नाउ लेट्स ट्राई दीज न्यू वंस। वाओ, ग्रेट मैन, कितना प्यारा साफ कर रहे हैं गाइस। एसी आपको एक भी मार्क नहीं देखेगा शीशे पे।
बाहर से भी दिखाता हूँ जस्ट स्ट्रीट सी माय विंडस्क्रीन पूरी बिल्कुल क्लियर हो गई है एकदम मस्त तरीके से कोई ये जो वाटर के छींटे आपको दिख रहे हैं ये वाइपर के बाद है यहाँ तक वाइपर चला है आई होप आपको दिख रहा होगा डस्ट जूम हो गया है गैस कर ले भाई जूम ठीक है जहाँ तक वाइपर है वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कोई पानी नहीं कोई कुछ नहीं तो भाई मेरे हिसाब से थम्स अप है वेरी गुड प्रोडक्ट बाकी गाड़ी के अंदर जाके आपसे बात करते हैं यार यहाँ से भी देख लो गाइस एक और व्यू बिल्कुल क्लियर व्यू दिखेगा आपको दोबारा चला देता हूँ एक बार सी एकदम क्लियर है एंड कोई नॉइज नहीं है वाइपर में कोई ची चू ची कोई शोर नहीं है भाई So guys, we have seen the unboxing and installation process of wiper blades in Maruti Swift. Maruti में all जितने भी models आते हैं Maruti की जितनी भी cars हैं इसमें यही process रहता है for wiper changing जितने भी models हैं and size may differ. Size हर गाड़ी का आपको different मिलेगा आप ये नहीं कि जो ये same size मेरा Swift वाला मत ले आना भाई सबके लिए तो मेरे को बाद में गालियाँ सुनाओगे 21 inches है 19 ही driver का 21 inches होता है co-driver का 19 inches as I previously told you. ये जो है आपका दिस इज फॉर मारुति स्विफ्ट जो इनिशियली मारुति स्विफ्ट लॉन्च हुई थी फ्रॉम दैट मॉडल टिल जो करंट आता है टिल डेट सेम साइज रहेगा 9921 एंड फॉर स्विफ्ट डिजायर आल्सो सेम रिट्स का एंड शियाज का इन सब का डिफरेंट है तो जब भी आप परचेज करोगे तो पहले अपना यूजर मैनुअल में साइज देख लेना उसके बाद ही परचेज करना गाइज एंड प्रोडक्ट का परचेजिंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइज इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस मेरे हिसाब से थम्स अप है एक नंबर का प्रोडक्ट है भाई इनिशियली तो मुझे बहुत अच्छा लगा है जैसे मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो में क्लीन तो एक नंबर का कर रहा है भाई बेटर देन एमजीपी एमजीपी का हमें जो पेयर मिलता है अराउंड 700 या 700 to 800 कॉस्ट करता है दिस इज हाफ ऑफ द प्राइस ऑलमोस्ट 385 only 385 एंड इसके लिए आपको किसी सर्विस सेंटर भी नहीं जाना किसी शॉप पे नहीं जाना आपके घर पे अमेजोन वाले डिलीवर करके जाएंगे दैट इज द बेस्ट पार्ट एंड सेकेंडली आपको किसी शॉप पे जाके इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई हैव शोन यू द इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो हार्डली 30 सेकेंड लगेगा कोई मेहनत नहीं है आपको कोई नट बोल्ट कोई पेज कुछ नहीं खोलना गाइस वो आपको जो लॉकिंग मैकेनिज्म दिखाया बस वो पुश करके एंड दैट्स इट कुछ नहीं करना मतलब उसका रिमूवल जो पुराने का रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन दोनों का मिला के दोनों वाइपर्स का मैक्सिमम इट विल टेक 1 मिनट सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस आई होप यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव आपको थोड़ा सा कुछ सीख मिली होगी आज कि हाउ टू इंस्टॉल द वाइपर ब्लेड्स एंड स्पेशली जो एमजीबी के प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं उनके लिए तो बेटा मैंने 50% डिस्काउंट करा दिया है वहाँ पे आप कंपनी में जाके 800 अराउंड स्पेंड करते हो यहाँ पे अराउंड आपको 385 में ब्लेड्स मिल जाएंगे आपको किसी मैकेनिक के पास नहीं जाना इंस्टॉलेशन की कोई पैसे नहीं भरने तो सबके भाई ने आपको बता दिया कि हाउ टू इंस्टॉल इट तो इसी के साथ अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर माई वीडियो सो दैट आपके फ्रेंड्स को आपकी फैमिली को भी पता लगे सबके पैसे बचाओ बहुत ही हार्ड अर्न मनी है भाई किसी का फ्री का नहीं है And do subscribe to my channel please and hit the bell icon so that जब भी आपको नया informative video में कोई भी डालूँ आप सबको easily मिल जाए and आपके और पैसे बचा पाऊँ और information दे पाऊँ और जितनी मेरे को knowledge है about cars and everything तो मैं आपके साथ share कर सकूँ So thank you so much guys keep supporting प्यार देते रहो भाई एक बार फिर से एक झलक देख लो new wipers की एंड ऐसे प्यार करते रहो गाइस आपका प्यार चाहिए पैसा तो मैंने बोला ना ऊपर वाले ने बहुत दिया तो थैंक यू सो मच सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग टाटा बाय बाय